झरना, यहां तो मैं कितनी बार आई हूं, किंतु किंतु क्या? मुझे जैसा क्यों प्रतीत हो रहा है, जैसे ये धारा ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर बह रही है। जो ऊपर से नीचे की ओर बहे वो धारा है, जो नीचे से ऊपर की ओर उठे हैं। वो राधा है, वो राधा है। जीवन की धारा बदल देने वाली राधा। अब मैं धीरे धीरे तुम्हें स्मरण करवाऊंगा, आभास करवाऊंगा कि हमारा ये प्रेम, ये संबंध, ये नाता, ये मात्र इस जन्म का नहीं है, अपितु कई जन्मों का है। और ये प्रेम, ये संबंध, ये अनंत काल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा मेरी राधे। भीना, भला धारा नीचे से ऊपर कैसे बह सकती है? किंतु इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हें नृत्य ही दिखाना था ना, तो कहीं भी दिखा देते। अरे ये कैसे बात हुई? एक कलाकार पर निर्भर करता है, कोई भी कलाकार कहाँ नृत्य करना चाहता है, किसके सामने नृत्य करना चाहता है, कैसे नृत्य करना चाहता है, ये सब कलाकार पर निर्भर करता है। और वैसे भी मैं चाहता था कि मुझे एकांत मिले, ऐसा एकांत जहाँ पे केवल मैं हूँ और केवल तुम हो। क्यों एकांत चाहिए था तुम्हें? क्यों चाहिए क्या होता है, ऐसे पूछ रही हो जैसे अपने पिता को देखो, कितने ज्ञानी है, सार समझते हैं, बात समझते हैं, व्यक्ति समझते हैं, और तुम उनके पूर्णतः विपरीत हो तुम। देखो ये व्यर्थ की बातें मत करो। हाँ नृत्य दिखाने आए थे ना, नृत्य दिखाओ, अन्यथा मैं यहाँ से जा रही हूँ। यदि जाना है तो जा सकते, पर इतना जान लेना कि लौट कर पुनः मेरे ही पास आना है। जैसे उस दिन आई थी, दौड़ते दौड़ते मुझे ढूंढते ढूंढते। तुम्हारे लिए आई थी भागी भागी, मैं उस नर्तक के लिए भागी भागी गई थी, और तुम वो नर्तक नहीं हो, ठीक है? नृत्य वित्त आता नहीं है, बस झूठ बोले जा रहे हो कब से। तो तुम्हारे इस संदेह का अंत होगा, तब पश्चात सत्य ज्ञात हो ही जाएगा। जय हो। अब श्रीनिवास कहाँ है? श्रीनिवास वो तो किसी कार्य से बाहर गया है, अभी आता ही होगा। कुछ कार्य था तो आप मुझे बताइए ना। मैं लुप्त तो श्रीनिवास हो जाता है, किंतु उत्तर हर बार मुझे देना पड़ जाता है। कहाँ है और कर क्या रहा है ये श्रीनिवास? ये विद्या स्मृति भार्गवी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम अपना ध्यान केंद्रित करो, नृत्य दिखाने आए हो ना, दिखाओ नृत्य, अन्यथा मैं भार्गवी। ये रचिन और वहाँ भी होगा। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें एकांत चाहिए था ना, मुझे नहीं, इसलिए मैंने अपने मित्रों को बुला लिया। मैं यहाँ हूँ, यहाँ। श्रीनिवास इनसे मिलो, ये बहुत प्रसन्न है तुम्हें देखकर। तुम यहाँ? हाँ वो
वो बात क्या है ना कि इन भद्र पुरुष ने कहा था कि हम यहाँ अकेले क्या करेंगे, तो तुम्हारे कोई मित्र या सखियाँ नहीं है? तो मैंने कहा ठीक है बुला लेते हैं। अब इसको समझ आएगा, बढ़ाया मुझे एकांत में नृत्य दिखाने वाला। भार्गवी, ये वही नृतक है जिसकी स्वयं प्रशंसा राजकुमारी पद्मावती ने की थी, पर तुम इसे कैसे जानती हो? अरे ये क्या, इसके पिता भी मुझे जानते हैं, जानते ही नहीं, मुझसे अत्यधिक प्रसन्न है वो। परंतु तुम्हारी ये सखी है ना, इसे विश्वास ही नहीं है कि मुझे नृत्य आता है, उसे विश्वास ही नहीं है कि मैं ही वही व्यक्ति हूँ तो तुम्हारी इस सखी को नृत्य दिखाने के लिए यहाँ लाया था। वो सब तो ठीक है, एक बात बताओ। पूछो। क्या तुम सचमुच हमारे आने से प्रसन्न हुए? अति प्रसन्न हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि कलाकार के लिए दर्शक से बड़ा कुछ भी नहीं होता, दर्शक ही तो प्रेरणा होते हैं, नहीं? और आप सभी मेरी प्रेरणा, और मैं तो ठहरा कला का, सुंदरता का प्रेमी। अब ऐसे ऐसे सुंदरता देखकर, ऐसा मुख देखकर, ऐसी मुस्कुराहट देखकर तो क्या ही बताएं, क्या नृत्य निकलेगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब यहाँ खड़े ना रहें, बैठ जाएं और मेरे इस नृत्य का आनंद लीजिए। भार्गवी, पहली बार तुमने अपने जीवन में हमारे लिए कुछ अच्छा काम किया है, तो इसका नृत्य देखने के लिए हमें यहाँ बुला लिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे लिए विशेष प्रस्तुति दे रहा है। तुम लोग भी ना इतने शीघ्र किसी से भी आनंदित हो जाते हो। अरे नृत्य शुरू तो करने दो, मुझे तो इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। विश्वास करोगी तभी तो प्रेम करोगी मुझसे। मैं शीघ्र ही तुम्हारा विश्वास और प्रेम दोनों जीत लूंगा। राजकुमारी, आपके लिए भोजन। इतनी देर से राजकुमारी इतनी सज संवर कर प्रतीक्षा कर रही। बात क्या है? क्या हुआ राजकुमारी, आप बहुत समय से यहाँ बैठी हैं, कुछ चाहिए क्या आपको? यदि कुछ भी चाहिए हो आप संकोच मुझे कहिए, मैं अभी आपकी सेवा में तत्पर। तुम्हारे मित्र ने मुझे वचन दिया था कि वो मुझे नृत्य सिखाएगा और मैंने उसकी शर्त भी मानी कि सिखाने का स्थल और समय वो निश्चित करेगा, इसलिए अब तो मुझे प्रतीक्षा ही करनी होगी ना। और सुनाएगा ये श्रीनिवास, बताओ राजकुमारी को आदेश दे रहा है, उल्टी गंगा बहाता है ये श्रीनिवास। कुछ कहा तुमने? जी मैं तो ये कह रहा था राजकुमारी कि बहुत देर से आप यहाँ बैठी हैं, अब और कितनी देर प्रतीक्षा करेंगी आप? अब शर्त मानी है तो प्रतीक्षा तो करनी होगी। क्षमा कीजिए राजकुमारी, छोटा मुंह बड़ी बात, किंतु कुछ अधिक ही सर पर नहीं चढ़ा दिया आपने श्रीनिवास को? अरे कैसा पाखंडी है ये, बिल्कुल भी तनिक भी शिष्टाचार नहीं है क्या इसमें? आपसे प्रतीक्षा करवा रहे? मैं अभी जाकर ढूंढता हूँ इसे, दो पड़ेंगे ना गुद्दी पर तो बुद्धि ठिकाने आ जाएगी।